नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि बहुत खास है, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नोटिस किस संबंध में है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, 31 मई को नोटिस जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? ओपनिंग ऑफ इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, यानी कि आप आपके इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाने हैं। और कब से भरवाए जाने हैं? 1 जून 2021, जो कि आप देख सकते हैं 1 जून 2021। तो मैं अब इस जो हमारा नोटिस जारी हुआ है इसको ओपन कर लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये है हमारा नोटिस जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो नोटिस में आपको मैं बता दूं, यहां पर जो नोटिस जारी किया गया है किस किस के एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं, ध्यान से देखिएगा किस किस के एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं। तो सबसे पहला है आपका एमए, इसके बाद में है एमकॉम, इसके बाद में है एमएससी, इसके बाद में है एमएससी जो कृषि, जो आपके सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर जून 2021 द्वितीय एवं चतुर्थ स्नातक स्तर की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की बीएससी कृषि तथा बीएससी गृह विज्ञान की सम सेमेस्टर द्वितीय चतुर्थ षष्टम एवं अष्टम यथा अनुसार, यानी कि जितने भी आपके कोर्स हैं एमएससी, एमए, एमकॉम, इनके जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर के आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें आप और क्या क्या भर सकते हैं? बैक पेपर भर सकते हैं, मुख्य परीक्षा यानी कि आपके रेगुलर बैक, और आपके जो भूतपूर्व छात्र यानी कि एक्स, तो आप तीनों ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब इसके साथ जो आपके संचालित क्या है, LLM यानी कि LLM में भी, और साथ के साथ LLB यानी कि जो LLB आपका 3 वर्ष है उसमें चतुर्थ सेमेस्टर और षष्टम सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं। किस किस के? 4th सेमेस्टर और आपका 6th सेमेस्टर LLB 3 ईयर, इनके भी एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और किसमें भाई? LLM में आपका 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाने हैं। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में जो एग्जाम फॉर्म भरवाने स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं भाई? वो हो रहे हैं आपका 1/6/2021 से, और जो इनकी लास्ट डेट है वो क्या है भाई, आपका यहां पर देख सकते हैं 1/6/2021 से भरवाए जाने स्टार्ट है, और 15/6/2021 इसकी लास्ट डेट है। तो साथियों, ये आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जाने हैं जो आपके सम सेमेस्टर के हैं। तो सम सेमेस्टर में जो मैंने कोर्सेज आपको बता दिए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो क्या है भाई, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है, अभी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स नहीं है, BBA या BCA या BJMC जो और कोर्सेज इसमें नहीं है, मैक्सिमम कोर्सेज यही है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के। इसमें LLB को भी इंक्लूड किया गया है जो हमारा 3 ईयर LLB है, लेकिन याद रखिएगा LLB में सेकंड ईयर के अभी एग्जाम फॉर्म नहीं ओपन हुए हैं। किसके हुए हैं? वो आपका 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के। और साथ के साथ मैं आपको, बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होगा कि सर हमारे एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो अब क्या पेपर होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम होने ही होने, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम फॉर्म आ गए तो आपको एग्जाम होने ही है, ऐसा नहीं है। अभी जब तक डिसीजन नहीं आ जाता जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चांसेस यही है कि प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर है, जो आपका 2 साल का कोर्स है उसमें सेकंड सेमेस्टर को, और जैसे आपका LLB है तो LLB में आपके 4th सेमेस्टर को भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अभी आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो कल से ओपन हो रहे हैं, तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना ही होगा, यानी कि यदि प्रमोट भी होते हैं तो भी आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। तो साथियों, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।